जितने हमारे जेंट्स हैं वो कंबलों में छुपे हुए हैं। तो मैं इनसे कहती हूँ, अंधो आंखें फोड़ कर देखो, हर औरत चार रिश्ते लेकर आती है। एक बाप लाती है, एक भाई लाती है, एक शौहर लाती है, एक बेटा लाती है, जो हमें चारों तरफ से कवर करते हैं। अगर हम तुम्हारे पे डिपेंड रहे, तुम तो रेपिस पार्टी हो, तुम तो हमें लूट लाट के एक मिनट बराबर कर दोगे। तो हम तो मर्दों की सपोर्ट में आते हैं, तुम वो नहीं नजर आते, तुम्हें बैठी हुई औरतें नजर आती हैं, खड़ा हुआ मर्द नजर नहीं आता है तुम्हें। तो ये तो बकवास करेंगे, इनको इनके पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। ये तो 2024 की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने सोचा 70 साल से जो है 137 करोड़ पिटे जा रहे हैं। कभी कांग्रेस पीटती है, हम कूद के बीजेपी में आ जाते, अल्लाह कम चोट लगी, फिर बीजेपी मारती, फिर हम कांग्रेस में जाते, अल्लाह इसने कम मारा। लेकिन अब जब इन्होंने हमारी नागरिकता भी सवाल किया, इन्होंने सोचा कोई ऐसा शोषा लेकर आते हैं कि हम ये वोटर बैंक से बाहर कर देते। इनकी 2024 की साजिश है ये कि 85 करोड़ को जो है वोटिंग बैंक से बाहर करेंगे। मुट्ठी भर जो जितने भी आर्यन हैं, जो यहूदी थे जर्मनी से आए थे और यहाँ पर आके आर्यन बन के फिर ब्राह्मण बने थे, ये लोग ही चाहते हैं कि हमें दबाएं और हमारे पे हुकूमत करें। तो ये नहीं कर पाएंगे आप, इतनी बड़े इतने सारे डिटेंशन कैंप नहीं बना पाएंगे जहाँ पर हमें 133 करोड़ को ठूस दें या मार दें। नहीं है इतनी गोली, अरे हैं तो मारो, किसका डर है, मारो ना, सब खड़े मारो, किस बात से डर रहे हो तुम? तुमने 12 दिसंबर में ये जब बिल पास कर दिया तो किसके बाप से डर रहे हो? नोटिफाई करो ना, तुमने 3 तलाक का भी तो मिनटों में पास करा था, तो उसको भी कर दो, किस बात से डर रहे? क्योंकि तुम्हारी फट रही है, तुम्हें पता है ये चमन चूतियों के हाथ में हिंदुस्तान आ गया है। तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, होमवर्क करके नहीं आते हैं, व्हाट्सअप एजेंडा इनके पास चलता है, ये सोते हैं 300 रुपये का रिचार्ज कराया और जी हम क्वालिफाइड हो गए। तो इनसे ज़्यादा पढ़ा हुआ हमारा 2 साल का बच्चा है। मोदी जी वहां जाते हैं रामलीला मैदान में तालियां बजवाने के लिए, पकौड़े खिला देते हैं, है एनआरसी की चर्चा नहीं करी, और टकलूसा चिल्ला चिल्ला कहता है एनआरसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे। तो यार तुम दोनों पहले यूनिटी में आओ, पहले तुम दोनों बन जाओ, फिर हमें यूनिटी में लाना। जब तुम दोनों में जुड़ाओ नहीं तो तुम 137 को क्या जोड़ोगे? हर बात में पाकिस्तान, अभी आप मोदी से पूछिए, मोदी जी हिंदुस्तान में महंगाई कैसे हो रही? वो पाकिस्तान ने बादल छोड़ा, फसल खराब हो गई, किसान मर गए। मतलब किसी भी बात पे आप उनसे सवाल करिए, वो हिंदुस्तान की बात करते ही नहीं है, सीधा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो यानी पाकिस्तान से आपके तार जुड़ते हैं, हमारे नहीं जुड़ते हैं। हम पाकिस्तान का जिक्र नहीं करें, भाड़ में जाए पाकिस्तान हमारी तरफ से, आज तब आओ तो कल तब आओ, हमें क्या मतलब? हम तो हिंदुस्तानी, तू यहाँ की बात करना, बिरयानी खाने तो पाकिस्तान जाता है, इमरान खान के तू गले में हाथ डाल के फिरता है और हमें कहता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी, हम गद्दार हैं। अबे हम गद्दार हैं तो हमारी सेना क्या कर रही? धनिया काट रही थी, वो 56 इंच का सीना तू करता है, अबे हमारे 56 इंच को जोड़, 56 इंच सीनों को तो 137 करोड़ से जोड़, फिर हमारे सीने से अपना मुकाबला करना, किसका सीना ज़्यादा चौड़ा है। शाहीन बाकी औरतें बिकाऊ हैं, तुम हो दल्ले, आरएसएस के दल्ले तुम बिकाऊ हो, 500-500 रुपये तुम बिकते हो। दुनिया की कोई करेंसी ऐसी नहीं है जो मुसलमान के जज्बे को खरीद सके, हम अपने जज्बे से बैठे हुए हैं। जो बैठने वाले होते हैं ना वो इतनी शिद्दत से 24 घंटे नहीं कोई टिक सकता है, जज्बे के साथ ही कोई टिकता है। आप किसी के घर में आप कहेंगे जी ये घर तुम्हारा नहीं, तो औरतें तो बिल बिला के निकलेंगी। एक औरत जो है वो होम मिनिस्टर होती है, प्रोडक्शन मिनिस्टर होती है, किचन सारी मिनिस्टर होती है, और जब उसको पता चलता है अल्लाह ये मेरा घर नहीं, तो बिल बिला के सड़कों पर आएगी, क्यों नहीं आएगी? और आप जाएंगे, अब हम ये नहीं कहते बिल जाएगा, अब आप भी जाएंगे, आप कमल को ढूंढते रह जाएंगे, इंशाल्लाह कीचड़ में घर को जाएगा वो कमल। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट